गुड इवनिंग। कल कुछ क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए, वहाँ कुछ शायद 30 या 40 क्वेश्चन था। जिसको जिसको नहीं आया था कुछ कुछ समझ, तो वो क्वेश्चन सब फिर से वापस देख लो कि कैसे करना है क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जिसमें पूछा रहे कि इक्वल है कि नहीं, इक्वल मतलब क्या कि इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, इक्विवेलेंट है कि नहीं पूछ रहा है, यानी 4/5 से ये इक्विवेलेंट है कि नहीं पूछ रहा है, तो सिंपल करना फर्स्ट स्टेप काट देना है ना, काट देना टू सिंपलेस्ट फॉर्म। काट के देखो अब, ठीक है, इसका यही करना है, काट दो बस। क्या करना है, काटो, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 10 से काटो, 4, 10 4 जा 10, 5 जा, आ गया। मतलब ये सेम है, मतलब ये नहीं है, है ना, ये आंसर नहीं होगा। फिर ये काटोगे तो ये आएगा 3, सॉरी इसको काटो तुम 4 का टेबल 3 का टेबल से, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, अगेन 4/5 आ रहा है, यानी सेम हो रहा है। हमको क्या पूछा है, हमको नॉट पूछा है, जो इक्वल नहीं है वो पता करना है। 16/20 को काटो, 4 का टेबल से, 4 4 जा 4 5 जा 20, ये भी सेम हो गया, तो बचा क्या, ये वाला आंसर। देखते हैं ये सही है या गलत। अगर तुम इसको 3 का टेबल से काटोगे, 3 3 जा 3 5 जा, मतलब ये और ये सेम नहीं है। दैट मीन्स कि द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जब पूछा है तो यही है, 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/5, मतलब यही वाला आंसर सही होगा। तो पहला का आंसर कितना होगा, डी। सेकंड का आंसर पूछा है, द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन द फ्रैक्शन 5/7 लाइज आर। सवाल ये पूछा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करो 5/7 के थ्रू। 5/7 में तुमको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पूछूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता करो 6 में, ठीक है, और ये 6 किसके बीच लाई करता है, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7, ये किसके बीच लाई कर रहा है, ये किसके बीच लाई कर रहा है, ऑब्वियसली 5 और 6 के बीच लाई कर रहा है। मैं और सवाल पूछूँ, 3.4 किसके बीच लाई करेगा, किसके बीच लाई करेगा, 3 एंड 4 के बीच। और मैं सवाल पूछूँ, 4.2 किसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। मैं बोलूँ 2.1 तो किसके बीच में लाई करेगा, 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली सवाल ये पूछा है कि 5/7 किसके बीच में लाई करता है, तो तुम क्या करोगे ना, 5 और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो एंड देन चेक द आंसर। डिवाइड करो तो क्या आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स एक पॉइंट लगेगा, है ना, पॉइंट के बाद तो 0 तो कंपलसरी लिखना होता है, एक पॉइंट लगेगा। अगर बाहर में पॉइंट लग रहा है तो अंदर एक 0 लगता है, ठीक है। अब 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, तो कितना आया, 0.7। अब ये 0.7 किसके बीच में रहेगा, ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में क्या क्या आता है, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, 0.9 एंड देन 1, है ना। तो ऑब्वियसली 5/7 किसके बीच लाई करेगा, 0 और 0.1, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है।